प्यारे मित्रों नमस्कार, जय हिंद। हम आपके दोस्त आरसी सिंह इस वीडियो में बताऊंगा अभ्यास 8C। दोस्तों हमें बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अभ्यास 8C पूरा फिनिश होने वाला है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने पिछली वीडियो तक बता दिया है। इस वीडियो में बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20, अर्थात ये जो है लास्ट सवाल है, अंतिम सवाल है। हम वीडियो को शुरुआत करें इसके पहले ही हम आपको बता दें कि जिन विद्यार्थियों के पास स्मार्ट गणित ज्ञान पाठ्य पुस्तक लगी है, अर्थात NCERT पाठ्य पुस्तक लगी हुई है, उनके लिए यह चैप्टर 13.3 या 14.3 हो सकता है, अर्थात चैप्टर आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन सवाल आपको यही मिलेगा। ठीक है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20 लेते हैं क्वेश्चन नंबर। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा गया है x^4। ठीक है, माइनस कितना 13x² प्लस कितना 36 बराबर ये 0 है। ठीक है, ये सवाल दिया गया है। हम आपको बता दें इस सवाल को अगर देखोगे तो पिछला जो है क्वेश्चन नंबर 19 है टोटली वही ही है, संख्या चेंज किया गया है, बस वही है। कैसे हल करोगे हम आपको सिखाते हैं। देखो आप मान लो, क्या मान लो, चूँकि जो है हमने माना था पिछली वीडियो में x² = y हमने माना था, क्या माना था, x² = y माना था, तो इस सवाल में भी वही मान के चलेंगे, हल हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आइए देखो, तो बताओ अगर x² = y है तो यहाँ पर y² कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x^4 बन जाएगा, तो इसी के स्थान पर लिख देंगे क्या, y² हो जाएगा। माइनस यहाँ 13 लिखा गया है, x² = y है तो इसके जगह क्या हो जाएगा, 13y हो गया, और प्लस कितना 36 बराबर यहाँ पर हमने 0 कर दिया। ठीक है, इतना बात समझ आ गया आपको। अब आप लोग क्या करोगे ये समझिएगा, यहाँ पर 36 के गुणनखंड कर लो, 36 गुणनखंड ऐसा करो कि जोड़ने घटाने पर आए कितना 13 आ जाए। ठीक है ना, तो 36 के जब गुणनखंड करोगे तो 9 + 4 = 36 होता है और 9 + 4 = 13 हो जाएगा। ठीक है, गुणनखंड करना तो आपको आ ही गया होगा। ठीक है, तो अब इस y को y² हमने नोट कर लिया, अब इस 13 के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 9 + 4 लिख सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है हम बता रहे हैं आपको, 36 को गुणनखंड कर लो तो संख्या आपको एक प्राप्त होगी, 9 और 4 मिलेगी, 3 + 3 = 9 और 2 × 2 = 4 मिलेगा, तो ये हो जाएगा 9 + 4 कितना हो जाएगा 13, लेकिन इन्हीं दोनों संख्याओं को जब गुणा करोगे तो 9 + 4 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा बस। और y लगा तो y हमने ऐसे बगल में लगा दिया, प्लस कितना 36 बराबर हमने 0 ऐसे कर दिया। ठीक है ना, ये हो गया। अब इस y को अंदर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा y² माइनस कितना हो जाएगा, कोष्टक पहले बना कर लो, अब ये हो जाएगा आपका 9y और प्लस कितना हो जाएगा आपका 4y और प्लस कितना 36 बराबर ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब इस माइनस को अंदर गुणा जब करोगे तो ये हो जाएगा y² माइनस कितना हो जाएगा, माइनस कितना 9y और माइनस अंदर गुणा करोगे कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 36 बराबर ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। है ना, अब यहाँ पर देखोगे तो ये हो जाएगा आप इसमें और इसमें दोनों में कॉमन ले लो आप। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करोगे, y जब कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बचेगा यहाँ पर, तो y माइनस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 4 कॉमन लो, कितना माइनस 4 कॉमन लो, तो यहाँ पर सिर्फ y अकेला बचेगा। है ना, तो ये माइनस यहाँ प्लस 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 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 4 से भाग करो कितना 36 में, तो 4 × 9 कितना हो जाएगा 36 बराबर ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। है ना, अब देखो y - 9 दोनों कोष्टक में है ना, तो y - 9 पूरे में कॉमन ले लो आप, y - 9 पूरे में कॉमन हो गया, और बगल में कितना है y - 4 है, तो y - हमने ऐसे 4 कर लिए, बराबर क्या कर दिया 0 कर दिया। अब बात समझना है यहीं पर, यदि इसके बराबर भी 0 है और इसके बराबर भी 0 है तो ये हो जाएगा, यदि यहाँ पर लिखोगे यदि y - 9 बराबर जब 0 करते हो तो ये हो जाएगा वाई बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाता है। लेकिन बात समझो, यहाँ पर आपको हम दिखा दें इस y बराबर क्या है, x² है, तब इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, इसके स्थान पर x² हो जाएगा। है ना, तो x² बराबर कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो अब बताओ x बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा, मतलब वर्गमूल हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 9 का वर्गमूल निकालोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, +-3, क्योंकि 3 त्रिक कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इसका बन गया आपका। अब कर दो क्या, यदि क्या कर दो, यदि y - 4 बराबर जब 0 करते हो
तो y बराबर हो जाएगा 4। अब इस y के स्थान पर देखो y बराबर कितना x स्क्वायर है, ठीक है ना, तो क्या करोगे x स्क्वायर बराबर यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस माइनस में, है ना, यही करोगे आप। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस कितना 2, 2 कैसे हुआ क्योंकि 2 गुणे 2 होता है, जब 2 बाहर हो जाएगा यही होगा, है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये और ये x का मान प्लस माइनस 3 है प्लस माइनस 2 ये हो सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर आपको ख़त्म नहीं हुआ सवाल, हम आपको करके दिखाते हैं क्या उत्तर की जाँच, ठीक है ना, उत्तर की जाँच मतलब कि सत्यापन, ठीक है सत्यापन, चलिए देखते हैं हम लोग। तो हिंट डालिए क्या सत्यापन, क्या चीज़ सत्यापन, आप लोग हिंदी डाल लीजिए सत्यापन। तो सत्यापन करने के लिए बस वही आपको हिंदी में जो लिखना लिखते हो आप लिखते आए हो वही लिखोगे आप, क्या लिखोगे लिखोगे समीकरण के बाएं पक्ष में, समीकरण के बाएं पक्ष में, समीकरण के बाएं पक्ष में, समीकरण के बाएं पक्ष में क्या लिखोगे यक्स बराबर क्या इतना रखो बताओ, यक्स बराबर 2 रख दे रहे हैं, चलो यक्स बराबर 2 प्रतिस्थापित करने पर, क्योंकि यक्ष मान 2 भी आया है ना, तो प्रतिस्थापित करने पर जो भी सस्ता लगे आप वही करो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो दोनों रख करके हल कर दो वही चीज़ आएगा, जीरो ही लाना है आपको, ठीक है ना, प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो ऐसे आप लोग लिखोगे। अब बाया पक्ष आपका क्या है, देखो बाया पक्ष आप लेने चल रहे हो, ठीक है ना, बाया पक्ष, तो बाएं पक्ष में आप लोग क्या लिखोगे यही लिखोगे, देखो x पावर 4 क्या है, x पावर 4 माइनस कितना 13, x 13 इस स्क्वायर प्लस 36 है, ठीक है ना, तो यही आप लोग नोट करो आप, ठीक है, बराबर x पावर 4 माइनस कितना 13 x स्क्वायर प्लस कितना 36 है, ठीक है ना, अब बराबर 0 आपको लाना है, x स्थान कितना रखोगे 2 रखोगे, तो हमने 2 रख दिया, 2 का वर्ग कर दो आप, ठीक है, ये हो गया आपका, सॉरी 2 का वर्ग नहीं 2 के घाते 4, सॉरी 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 एक मिनट, 2 घाते 4 है माइनस 13 गुणे क्या हो जाएगा x स्क्वायर की जगह कितना 2 रखोगे 2 का वर्ग हो जाएगा प्लस कितना 36 है। अब बताओ 2 का 4 बार गुणा करोगे यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे गुणे, हम आपको यहाँ पर डायरेक्ट करके बताएंगे क्योंकि आप लोग रफ वार कर लिया करो, चलो ठीक है देख लो 1 2 3 4 देख लो, 2 दूना 4 4 दूनी 8 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 2 के पावर 4 का मतलब हो जाएगा 16, क्योंकि ये 2 कितनी बार होगा 4 बार, 2 1 2 3 4 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ पर हमने 16 लिख दिया, माइनस 13 रहेगा और 2 दूना कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, अब प्लस कितना 36 यानी 36। अब देखो ये हो जाएगा 16 और 13 चौक कितना हो जाएगा 52, बोलो ठीक है ना, 52 ना 13 चौक 52 माइनस में हो जाएगा और प्लस कितना 36 है। अब 36 और 16 कितना होगा ये बताओ, 6 6 12 के 2 हंसी लगे ना, 1 3 1 4 1 कितना हो जाएगा 5, भाई 16 और 36 को जोड़ोगे, क्यों जोड़ोगे क्योंकि ये प्लस में है ये भी प्लस में है, जुड़ जाएगा माइनस कितना हो जाएगा आपका 52 ये वाला। अब हमें ये बता दो 52 में से 52 चला जाएगा आय कितना बताओ, 52 में से 52 चला जाएगा, घटाओगे आय कितना 0 ना, हम लेके चले थे बाया पक्ष, आ गया क्या आपका दाया पक्ष, आ गया है क्या, आ गया है आपका ये क्या है ये आपका दाया पक्ष है ना। तो हम लोग इतना कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेकर चले थे, देखो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे लेकिन आ गया क्या आपका, आ गया ये आपका राइट हैंड साइड आ गया है। दोस्तों आपको हम विश्वास दिलाते हैं और यकीन भी दिलाते हैं कि अभी तक कोई भी सवाल कोई भी चैप्टर छोड़े नहीं है इस बुक से। दोस्तों आप इतना मेहनत आपके लिए करते हैं तो बस हमारे लिए बस इतना कीजिए कि अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाने का काम कीजिए, अर्थात शेयर कीजिए, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप बना हो फेसबुक ग्रुप बना हो तो वहाँ पर इस वीडियो को शेयर कीजिए। देखते हैं अगर आपको इसके पहले की वीडियो देखना है और इसके बाद की वीडियो, अर्थात इसके पहले का अभ्यास देखना है इसके बाद के अभ्यास को देखना है तो क्या कीजिए, बस आप जो है प्लेलिस्ट में चले जाइए, जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर सभी अभ्यास का एक एक सवाल हमने हल किया है, एकदम A to Z हल किया है, ठीक है ना, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम ऐसा वादा करते हैं आपसे। मिलते हैं अगले वाले चैप्टर को लेकर के, अगले वाली वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, जय हिंद।